राम राम दोस्तों, भाइयों, तबीयत हो रखी है थोड़ी ढीली। हम शाम के टाइम पे अभी ठाकुर जी के साथ इधर आ रखे हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे मतलब घर में पड़े पड़े मन नहीं लग रहा था, तो हमने की थोड़ी वैसी हांडे आए इधर उधर। इसके घर साइड में रोड सही है घूमने फिरने के लिए, घर के बैक साइड में, तो मैंने सोचा थोड़ी घूम ही ले। घर में पड़े पड़े क्या करें, वैसे भी तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो रही है, जुकाम खांसी वगैरह हो रहा है, तो इसलिए इस साइड को आगे। बाकी शाम का प्रोग्राम है हमारा, त्रिवेणी घाट पे पूजा होती है, तो उस पूजा को देखने जाने का मन था मेरा। परसों देख के आया था, कुछ काम आ गया था इसलिए आधे में से जाना पड़ गया। आज कम्प्लीटली देखेंगे। सिंड्रेला वाली मूवी देख रखी है किसी ने? तो भाई उसके पत्ते ये रहे जिसमें मेंढक बैठता है, इतने चौड़े चौड़े पत्ते, ये पत्ते वो है जिनमें बेसन लगा के बनाया जाता है। तो भाइयों अगर किसी हलवाई को ज़रूरत हो तो यहाँ से तोड़ के ले जाए। ये देखो यार, सच में बहुत बड़े पत्ते हैं यार, ये हाथ मेरा यहाँ पे आ रखा है। तो ये है दोस्तों बैराज, बैराज नदी, इसके उस साइड में घूमने का बहुत अच्छी जगह है। बैड लक उस साइड में नहीं जाने दिया, कह रहे हैं कि भाई कैमरा अलाउ नहीं है। बाकी अब हमारे ठाकुर जी कहाँ ले जा रहे हो ठाकुर जी? हम आपको ले जा रहे हैं बहुत दूर। तो ठाकुर जी हमें बहुत दूर ले जा रहे हैं। वैसे ऋषिकेश शहर है लेकिन इस साइड में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे पहाड़ों वाला एरिया है। ये है त्रिवेणी घाट के ऊपर वाली मार्केट, और नदी में चढ़ा सकते हो, सारी आरती वारती जाएगा, आरती का सारा सामान आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये है त्रिवेणी घाट की पार्किंग, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मतलब पे नहीं करना पार्किंग के लिए आपको। यहाँ पे लोग ऊपर से फूल वगैरह खरीद के यहाँ पे नदी में बहा देते हैं, गंगा में, और जब पूजा मतलब ये एंडिंग हो जाती है तो उसमें ये होता है कि दिए वगैरह होते हैं बहुत सारे, दिए वगैरह कलेक्ट करके एक साथ बहाते हैं, बहुत अच्छा व्यू आता है उस टाइम का। लेकिन अभी पता नहीं हमें दिखे ना दिखे, कितना टाइम लग जाए वो बाद में पता पड़ेगी। ठाकुर जी आपका, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो पलवल से ऋषिकेश, तब फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बताइए अपना, कैसे आए थे यहाँ पे? जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने पूरा ऋषिकेश पैदल दौड़ दौड़ के घूम लिया था। करने के लिए तो कुछ था नहीं, दोस्त यार उस टाइम थी नहीं, हरियाणा की लैंग्वेज थी तो कोई सीधे मुँह बात नहीं करता था, सब हाँ हाँ करके ठीक है छोड़ देते थे। 6 महीने लगे मुझे कम से कम यहाँ का रूटीन अपनाने में, लैंग्वेज, बिहेवियर, बहुत डिसिप्लिन, बहुत कुछ चेंज किया मैंने। उसके बाद इन जैसे लोगों का टूरिस्ट बना, अब मेरे को एटलीस्ट टूरिस्ट गाइड का जो कार्ड होता है ना वो अप्रूवल मिल जाएगा मुझे, मैंने इतने लोगों को घुमा दिया है। अब चार्ज लूँ ना लूँ वो बात अलग है, साले देते नहीं है। बाकी हम आरती चालू होगी तो आपको आरती के बारे में भी दिखाएंगे, बाकी पंडित जी टीका लगा रहे हैं, आएंगे तो टीका लगवाएंगे फ्री में। नहीं 5 रुपये पड़े, 5 रुपये दे भाई, मैंने तो लगा लिया टीका, 1 रुपये 1 रुपये मैं महंगा वाला लगाऊंगा, हमारा बजट थोड़ा ज़्यादा, चंदन वाला होगा ये भाई, ये हो गया पागल, ठीक है फिजूल में जा रहा, दांत पड़े जा रहा, रुकने में नहीं आ रहा इसको, तो इसको
पसीने की तरह दो सब्सक्राइबर क्या मिल गए यहाँ पे, ये सोच रहे इसको 2000 रुपए मिल गए आज के। हाँ ये बताओ उन्होंने सब्सक्राइब वगैरह कुछ नहीं करा? अरे करा है, नेट ही नहीं चल रहा, कहाँ से करा है? करा है भाई, नेट ही नहीं चल रहा यहाँ पे, यहाँ पे सर्वेलेंस लग रहे पड़े, नेट कहते हैं ना जो जैमर लगे होते हैं वो लगे पड़े हैं, जैमर यही तो लगेंगे। ये सोच रहे लाइक कर दिया सब्सक्राइब कर दिया, उसने कमेंट में लिखा है। आप बुलंदशहर से बताया? आप यूपी से? कल को ये लड़का आता है, ये जो आवारा है, ठीक है, तो इसको वहाँ पे घूमने के लिए कौन कौन सा प्लेस बेटर रहेगा? भाई काफ़ी सारी जगह है, मलका पार्क है, काले आम है, और भी काफ़ी सारी जगह हैं। चलो कोई नहीं, भाई से हमारी वार्तालाप हो गई है, यूनी कहेंगे हम भाई का स्टे करें, करेंगे हम होटल में, ऐसी बात नहीं है। जगह घूमने के लिए बुलंदशहर में है? चलो ठीक है, आएंगे तो कॉन्टेक्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं भाई, वहाँ पे दोस्त यार मिले, सबका नेचर हमारा इतना अच्छा है ना, सब मिलनसार हो जाते हैं हमारे साथ। हाँ जी, तो भाइयों प्री वेडिंग का लग चुका है, फिर तो दो दो और लगा दिए। यहाँ पे ऐसा ढेर सारे पंडित वगैरह घूमते रहते हैं, तो अगर आप अपनी सेपरेट पूजा करवाना चाहो तो आप सेपरेट पूजा भी करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या नाम है, आप अपनी पूजा नहीं करवा सकते, यहाँ पे ढेर सारे पंडित रहते हैं जिनको आप हायर कर सकते हैं। आप एटलीस्ट जैसे इससे पूछा कि आपको पूजा करवानी है, आपको अपने पाप धोने हैं, इसने मना कर दिया, केवल ठाकुर जी की संगत में हूँ, सारे पाप मेरे ऐसे ही धुल गए, तो इनको पूजा कराने की जरूरत नहीं है, तो गंगा भी नहीं नहाए, मेरे घर के पानी से शुद्ध हो गए भाई, ना आए बीमार पड़ गए, पाप धुल रहे हैं उससे पता लगता है बीमार पड़े ना भाई साहब। बहुत ठंडा पानी था तो एक बार नहा लिया, उससे बीमार पड़ गया।
दोस्तों जो अभी आपने माता रानी देखी थी उसके बारे में मुझे तो कुछ खास इतना पता नहीं है, बाकी आपको हमारे ठाकुर जी बताएंगे कि एक्चुअली कौन सी माता थी और यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। ठाकुर जी जय गंगा मैया। भाई साहब देखो, ये जो आपने थोड़ी देर पहले देखी है पालकी, ये अपनी सबकी अपनी भी जैसे कुल देवी होती है, आपकी भी अपनी कुल देवी होगी, तो ये कुल देवी होती हैं, तो इनको आरती बोलो या गंगा जी में बोलो तो गंगा जी में नहाने वगैरह के लिए लाया जाता है इनको। और क्या नाम है, देखो एग्जैक्ट तो क्या ही बताऊँ, बट ये होता है कि सब अपनी कुल देवियों को लाते हैं यहाँ पे। सर आप कहाँ से आ रखे हो? हम लोग फरीदाबाद से। फरीदाबाद से? मैं पलवल से रहने वाला था पहले। अच्छा, तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। ओके थैंक यू सर। तो अभी अभी जस्ट हमें फरीदाबाद के लोग मिले, ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरे ऑल ओवर कन्या से कुमारी और जो भी आप बोल सो ईस्ट वेस्ट हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पर। हमारा प्रकाश भी आ रखा है बेचारा थका हारा, मैं तो उससे कह रहा हूँ और स्टे कर, पर एक है दीदी के पास रक्षाबंधन में जाना है, वरना इसको मैं और कुछ चीज़ें दिखाता। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पे आएंगे। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम घर को और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। बाकी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप उत्तराखंड आ रहे हो घूमने आओ, कोई अच्छी बात नहीं, पहाड़ों में हो कोई दिक्कत नहीं, बट गंगा जी की आरती ज़रूर देखना, कहीं भी आओ बिल्कुल रुकना। ये तो अगर गंगा जी की आरती छोड़ दी तो आपने उत्तराखंड घूमना ही छोड़ दिया। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राम राम, हर हर महादेव।